सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं 19 राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम का संयुक्त रूप से बहिष्कार कर दिया। साथ ही उन्होंने बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम से करवाने पर बीजेपी को भी घेर लिया है। अब मुद्दे पर प्राइम टीवी की टीम ने लखनऊ की जनता से जानने की कोशिश की है कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है, चलिए देखते हैं। देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, जिसे लेकर 19 विपक्षी दलों ने एकजुट हो गए हैं और उनका कहना है कि हम इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि उद्घाटन जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है वो पूरी तरह से एक राष्ट्रपति का अपमान है, क्योंकि ये उद्घाटन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इसी को मुद्दा बनाकर विपक्ष दल एक मोर्चा खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो देश के पहले नागरिक होते हैं उनका ये अधिकार होता है कि संसद भवन का उद्घाटन करें, लेकिन ये पूरी तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी उनका अपमान कर रहे हैं और वो अगर संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो हम उस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। अब आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के जनता से कि आखिर उनको ये फैसला कितना हद तक सही लगा, क्या उनको सही लग रहा है कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, या अगर जो विपक्ष दल कह रही है कि इसमें राष्ट्रपति उद्घाटन करना चाहिए तो वो सही है। तो अब आइए जानते हैं यहाँ के जो आम जनता है वो अपनी प्रतिक्रिया इस पर क्या देना चाह रहे हैं और वो उस पर क्या सोच रहे हैं। संदीप जी, ये जो नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है देश में, तो अब प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करें, लेकिन वही विपक्ष दल का कहना है कि पूरी तरह से गलत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो देश के पहले एक व्यक्ति हैं और उनको ही मतलब राष्ट्रपति उद्घाटन करना चाहिए संसद भवन का। आपका इस पर क्या मानना है? जी, मेरा ये मानना है कि देश के जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं वो विश्व के नेता माने जा रहे हैं। इस समय उनका जो है पूरे विश्व में डंका बज रहा है और हमारे देश में जो संसद भवन बना है नए स्वरूप से, वो संसद भवन का उद्घाटन सही माने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि वो विश्व के नेता इस समय माने जा रहे हैं। विश्व के नेता है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये भी तो आप मानिए कि द्रौपदी जो मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के पहले वो व्यक्ति हैं और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के पूरी तरह से संसद भवन की मालकिन में, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनको ये करना चाहिए उद्घाटन, ना कि प्रधानमंत्री मोदी के। तो आप इस बात पर क्यों नहीं सहमत हैं? जी, ऐसा नहीं हो, देश की प्रथम महिला हैं राष्ट्रपति, प्रथम महिला, उनका अधिकार तो हर जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का भी अधिकार है हमारे देश पे। उनको राष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया संसद भवन बनाया है और वो विश्व के नेता हैं और हमारे जन जन में वो बसते हैं, तो उनको ही उद्घाटन करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो विपक्ष का कहना है कि ये अपमान किया जा रहा है, ये छोटी जनजातियों का अपमान किया जा रहा है, आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है, इसे लेकर क्या आपको लग रहा है? देखिए, विपक्ष तो हमेशा ही अच्छे कामों का बुराई निकालता है और विपक्ष के राय पे हम चलेंगे तो देश बर्बाद के कगार पे चला जाएगा। इसलिए हमारा देश जो है वो विकसित हो रहा है मोदी जी के योजनाओं पे, उनकी कार्य योजनाओं पे विकसित हो रहा है, तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही सोचेंगे, ना कि विपक्ष के बारे में सोचेंगे। आप भी बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी जो है एक विश्व के नेता हैं और सही बात है, बाकी हिंदुस्तान की एक संविधान और एक जो है परम्परा जो गत है उसको सबको सम्मान करना चाहिए। सरकार मोदी जी के नाम पर बनी, मोदी जी विश्व के नेता माने जाते हैं, मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा, मोदी जी को इस देश की जनता लाइक कर रही है। सम्मान का कहना चाह रहे हैं कि जो संसद में का उद्घाटन है वो मोदी जी करना चाहिए, ना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके मान के साथ। राष्ट्र हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का पिता होता है और राज्य का जो राज्यपाल होता है राज्य का पिता होना चाहिए। तो संवैधानिक तौर पर जब यहाँ मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो गवर्नर दिलाता है और दिल्ली में जब शपथ लेता है प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का पिता होता है और राज्यपाल जो होता है तो आपका क्या कहना है? ये सही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कहीं से सही है। अच्छा, इसमें तो जो है परंपरा राष्ट्रपति का जो है उद्घाटन होना चाहिए और राष्ट्रपति एक राष्ट्र का पिता है और राष्ट्र का पिता है, राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए और संविधान का सम्मान करना चाहिए। विपक्ष लगा रही है आरोप कि ये जो छोटे जाति है जो आदिवासी उनके पूरी तरह से अपमान किया जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया जा रहा है, ये सही हो रहा है? देखिए, ये विपक्ष का काम है अपनी रोटी सेकना। अच्छा। और विपक्ष का रोटी सेकने की बात जहाँ तक रही है, चाहे बहुजन समाजवादी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो लोग बेचारे खुद CBI से डर रहे हैं। तो जब CBI से डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आदमी तो विरोध करेगा ही करेगा,
बाकी मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। बाकी संविधान का मतलब है कहता है राज्य में कोई कार्य हो उसका राज्यपाल जिम्मेदार है, और राष्ट्र में कोई काम हो, दिल्ली में कोई काम हो, उसका जिम्मेदार राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्र की पिता की हैसियत से गिना जाता है। और पिता का अगर धर्म है कि देश की सेवा करना और सम्मान करना और संविधान को बरकरार रखना। अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप अभी कुछ बोल रहे थे मैंने सुना, अभी कुछ तो टिप्पणी इस पे दे सकते हैं कि विपक्ष जो आरोप लगा रही है वो सही है? पूछिए। जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि जो संसद भवन नया बन रहा है देश में, उसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी का करना चाहिए, क्योंकि वो देश के पहले एक व्यक्ति हैं और उनका पूरा अधिकार भी है संसद भवन पे, तो आपका क्या मानना है इस पे? मेरा तो यही मानना है कि प्रधानमंत्री का उसमें कोई भी अधिकार नहीं है। अच्छा। राष्ट्रपति का पूरा पूरा दायित्व होता है और उनको अधिकार होना चाहिए। ये तो उनके साथ सरासर अन्याय हो रहा, प्रधानमंत्री अपनी मनमानी ठोक रहे हैं। नहीं, राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए और उसका नाम सावरकर का नहीं, राष्ट्रपति का जो नया भवन है वो सावरकर के नाम से ना करके डॉक्टर अंबेडकर के नाम से करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ संसद के लोग बैठेंगे और वहाँ पर जो कानून बनता है, जो हमारी न्यायपालिका उसका आचरण करती है, तो वहाँ संसद भवन का नाम अंबेडकर भवन रखना चाहिए और राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए उसका। प्रधानमंत्री को वहाँ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जा सकता है, न कि उद्घाटन करने के लिए। अगर ऐसा कर रहे हैं मोदी जी तो ये अपनी हठधर्मिता निभा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलिए इसमें, क्या आपका कहना है? ठीक है, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अच्छा, इसका बढ़िया हो रहा है, कोई टिप्पणी नहीं देना चाह रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि तमाम जो विपक्षी दल है, 19 विपक्षी दल एकजुट होकर वो समारोह में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक राष्ट्रपति द्रौपदी को नहीं बुलाया जाएगा, उद्घाटन नहीं करेंगे, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, ऐसा जहाँ तक मेरा मानना है कि पूरे देश में और दुनिया में जिस प्रकार से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की एक सराहना हो रही है, बच्चा बच्चा राम का मोदी जी के नाम का, इस प्रकार से लोगों के दिलों में बहुत सारे देश में प्रधानमंत्री हमको हुआ आज़ादी के बाद जो है, तमाम प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुए, राजीव गांधी हुए, लेकिन आज जो 135 करोड़ देशवासी जो अपने हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे सिखाई हो, मेरा मानना है कि माननीय मोदी जी मानव मेरी जाति मानवता मेरा धर्म का जो पालन करते हुए देश को विकास की तरफ तेज से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार की सोच के साथ अब तक बहुत सारे सांसद हुए, विधायक हुए, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, लेकिन जो सोच माननीय मोदी जी की है कि जो लोकसभा का बनना, एक नया संसद भवन का बनना, ये अपने आप में खुद अजूबा है। इस सोच के ऊपर होता है। रही है कि आप उसमें द्रौपदी मुर्मू जी के लिए उद्घाटन कराइए, कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि संसद का जो पूरा अधिकार है राष्ट्रपति का होता है, वहीं आप एक देश के पहली व्यक्ति भी उनको माना जाता है, एक राजा माना जाता है, तो क्यों उनका अधिकार नहीं कि वो आपके उद्घाटन करें? आपके आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को भी बताना चाहेंगे और विपक्ष को भी बताना चाहेंगे कि आज राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और सम्मान मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा देश कर रहा है, और जिसमें जो है सबसे अधिक भूमिका जो है राष्ट्रपति, उनको प्रथम राष्ट्रपति बनने में जो भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, या देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जिनके ये सपनों से राष्ट्रपति जी का जो पद है वो सपना पूर्ण हो सकता है। इस नाते मेरा मानना है कि जिस घर का सपना बनाने का माननीय मोदी जी ने देखा, उस सपने को साकार करने का और संकल्प लेने का, उस संसद भवन का जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रथम बार जब चुन करके जाते हैं 2014 में लोकसभा पे, तो माथा पटक करके उस संसद भवन को चूमती है, तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को सपना इस बार एक बार और जो संसद नया बन रहा है उसका उद्घाटन माननीय सांसद जी और जो राष्ट्रपति जी हमारी हैं वो भी रहेंगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं रहेंगी। अब विपक्ष कह रहा है कि नहीं वो नहीं रहेंगी, लेकिन उनके हाथों से होना चाहिए, ये उनका एक अलग प्रलाप है, अलग प्रलाप है। मेरा मानना है कि जिस घर का सपना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा बनने का, उस सपने का जो है पूर्ण करने का अधिकार भी माननीय प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए। तो अब तो आपने देखा यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये हद तक तो सही है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो राष्ट्रपति होती हैं एक संसद भवन के, एक पूरा उनका अधिकार होता है और वो एक देश की पहली व्यक्ति भी होती है, तो उनको उद्घाटन करना चाहिए, और कुछ तक लोग उनके जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके फैसले से भी कुछ सहमत है। तो आइए और भी जनता है उनसे भी बात करते हैं कि उनका अपना क्या प्रतिक्रिया है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर?
एक मिनट रुक जाइए सर, मोदी जी को लेना चाहिए तो वो एक मिनट रुक जाइए। आप जिससे संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, पर विपक्ष दल उस पर समर्थन नहीं कर रही है, उनका मोर्चा निकालना चाह रही है। वो उस दिन जिसे उद्घाटन के दिन जाके वहाँ पे संसद भवन के आगे वो उस पर मोर्चा निकालेंगे, आपका क्या कहना है? मोदी जी को वैसे करना चाहिए, उन्होंने ही तो मुर्मू जी को लाए राष्ट्रपति मुर्मू जी को, और कोई मोदी जी की भाजपा एक सरकार जो है जिन्होंने मोदी जी ने योगी जी को लाए और मुर्मू जी को लाए, तो ये मेरे हिसाब से तो मोदी जी को ही करना चाहिए। सर आपका नाम? विनय कुमार राय। विनय जी, जैसे नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होने जा रहा है और इस पे विपक्ष दल ने एक मुद्दा बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों उसका उद्घाटन कर रहे हैं, क्यों नहीं राष्ट्रपति मुर्मू जी कर रही हैं, क्योंकि वो संसद की एक अधिकार भी उनका है और वही उनका माना जा रहा है कि वो देश की भी एक पहली एक व्यक्ति हैं, एक तो उनका क्यों नहीं, वो क्यों नहीं कर रही उद्घाटन? नहीं, ऐसा तो ये तो ऊपर के लोगों की व्यवस्था है, देश अब तक तो देश के सारे प्रधानमंत्रियों ने बड़े बड़े जितने भवन बने सबके उद्घाटन प्रधानमंत्रियों ने किए हैं, तो ऐसा अगर विपक्ष का करना है, विपक्ष तो इस समय मोदी जी से घबराया हुआ है, उनकी हर उपलब्धियों से वह घबराया हुआ है, तो उनको लगता है कि मोदी जी एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो उस घबराहट में वो कहते हैं कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। ये तो उसकी व्यवस्था है, अनेक कार्यक्रमों को इस देश के इसके पूर्व भी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने किया है, आज अगर नया संसद भवन बन करके तैयार है तो देश के प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए। तो आपको ये कहीं से गलत नहीं लग रहा है पूरे सही? 1% गलत नहीं है, ये तो विपक्ष को गलत लग सकता है। अच्छा। ये देश की जनता को गलत लग सकता है, विपक्ष को हर मोदी जी की हर बातें गलत लग रही है, उसमें ये भी बातें भी गलत लग रही है। कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद संजय सिंह का कह रहे हैं कि जो आदिवासी जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो जाते हैं उन पे भी सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा निजी जाति का अपमान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तो बातें छोड़ दीजिए, ये आम आदमी की पार्टी नहीं रही, अब ये खास लोगों की पार्टी हो चुकी है, और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर कहाँ प्रश्न चिन्ह उठाया, अभी तो वह खुद कटघरे में खड़े हैं, एक एक जो अपनी स्वच्छ छवि के नाते सत्ता में आए अन्ना आंदोलन से उपजे हुए लोग थे, आज उनके भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खुलता हुआ जा रहा है, तो वो नसीहत भारतीय जनता पार्टी को देने लायक आम आदमी पार्टी के लोग तो कतई ही नहीं। हेलो सर, नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है 28 मई को, उसमें विपक्ष दल का कहना है कि मोदी जी सरासर राष्ट्रपति के साथ अपमान कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद भवन का उद्घाटन कर सकती है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, गलत नहीं है, गलत नहीं है जी। पूरी तरह से तो आपको क्या कहना है, विपक्ष दल जो आरोप लगा रहे हो सही? विपक्ष का आरोप गलत है, पूर्णतः गलत है, मोदी जी सही कर रहे हैं। अच्छा, आप सर कुछ कहना चाहेंगे इस पे, आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा कहना यह है कि चूंकि वो कोई पुल तो है नहीं, कोई और तो है नहीं, वो सांसद भवन है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इसलिए मेरी पर्सनल है कि इसको राष्ट्रपति जी से करवाना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति जी से करवाना, प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सकते हैं? नहीं, करके उन्हें, लेकिन करना चाहिए, करना चाहिए, आपका ये अच्छा। आपका क्या कहना है सर, आप कहना चाह रहे थे कुछ कि जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संसद भवन का उद्घाटन नहीं करी है, उसे विपक्ष दल से पूरा तरह से मुद्दा बना रखा है, उन्हें कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ही उद्घाटन करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री मोदी का, आपका क्या कहना है? 5 लोग मिलकर अगर पूरे देश का 50 लाख लोगों का पेट भरने का काम करते हैं तो ये 5 लोग मिलकर पेट पर लात मारने का काम करते हैं विपक्ष लोग। हम कहते हैं कोई देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास परम पिता परमेश्वर विश्व चैंपियन विश्व गुरु प्राइम मिनिस्टर साहब सभी देशों में मलहम लगाने का काम करते हैं, सभी देशों में उजाला करने का काम करते हैं, सब पूरे देश में घर बांटने का काम करते हैं, पूरे देश में जल बांटने का काम करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो बताइए, उद्घाटन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे भाई, सब कुछ सही काम कर रहे हैं, कोई गलत तो काम कर नहीं रहे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उगता हुआ सूरज अजय बिष्ट साहब रक्षा और सुरक्षा और अन्नदाता का काम अन्नपूर्णा का काम कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष तो हल्ला मचाएगी। मतलब आपको लग रहा है कि पूरी तरह से सही है उनका फैसला? 100 में 100 नंबर नहीं, 100 में 1000 नंबर। तो आपने देखा किस तरह से लखनऊ के जो जनता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी है उनका फैसला पूरी तरह से सही है, वो नए संसद भवन का जो उद्घाटन कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी सरकार को ही नहीं मिल रहा है, ये पूरे हमारे देशवासियों के लिए एक उपहार है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष दल है उनका ये मुद्दा पूरी तरह से गलत है, और ये हमारे जो उद्घाटन नए संसद भवन का हो रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी जी को ही करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हमारे देश को जो एक मान बढ़ा रहे हैं सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी जाकर, तो कहीं ना कहीं
फैसला जो है वो सही है। और विपक्ष दल का तो मुद्दा रहता है कभी ना कभी जो भी अगर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उसको मुद्दा बनाकर सिर्फ बीजेपी को पहास उड़ाना, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है, ये पूरी तरह से ये सही है। और जो 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है वो पूरी तरह से सही है और हमारे देशवासियों के लिए एक उपहार की तरफ से नए संसद भवन मिल रहा है, तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले के साथ है। कैमरामैन अरविंद के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।